अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था भाई साहब, वैसे के वैसे ही वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो भाई ने एक यार कमेंट किया था कि भाई ये जिसको चेस वाला भी कहते हैं, ठीक है, डिज़ाइन, और चेक वाला भी कहते हैं, ठीक है। तो चेक वाला डिज़ाइन भाई आप लोगों के लिए हाजिर है, वो भी पाकिस्तान के झंडे में। आप लोगों को पता है कि 14 अगस्त आ रही है भाई साहब, बड़े हैवी सीन होने वाले हैं हर जगह, लेकिन हमारी तरफ जो है वो बिल्कुल ही ठंड पड़ी हुई है यार, कोई गुड़ा नहीं उड़ता, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि सर्दियों में जो हवा, सॉरी गर्मियों में जो हवा होती है ना, वो इस साइड की होती है, मतलब सीध की हवा हो तो उससे उल्टे हाथ की, और उल्टी हवा हो तो उससे सीधे हाथ की, ठीक है। तो बड़ी जो हमारी जो है ना हवा, मतलब हमारे लिए, वो आप लोगों के सामने है यार। मेरी छत के लिए फ्लॉप है, क्योंकि मेरे छत के साथ जो है वो बहुत बड़ी छत है। हाँ, सीज़न में हमें कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पीछे की हवा होती है और फ्रंट की होती है, इतना मसला नहीं होता, ठीक है। उसके लिए हमारी छत जो है वो बेस्ट है, सही है ना। तो बाकी आडा शाडा मैंने बनाया है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक करें और कमेंट करें भाई। आप लोगों से भीख मांगनी पड़ती है भाई, पहले आप लोगों को बोलता था, लेकिन आप लोग लाइक ही नहीं करते हो यार। कोशिश किया करो भाई, एक लाइक का बटन दबा दिया करो, एक लाइक का बटन प्लीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, तो यार एक आधा लाइक मेरे लिए बनता है। तो बाकी यार कोशिश करता हूँ यार, आगे कोई गेम शेम आडे वगैरह की हो उसकी भी कोई वीडियो बनाऊँ, लेकिन कोई जो है वो सिस्टम बन नहीं पा रहा, क्योंकि आप लोगों को पता है यार, वो जो हादसा हुआ था ना, उसकी वजह से अभी तक फ़िलहाल कोई, मतलब इतना कोई ख़ास काम हो नहीं रहा, ठीक है। पहले पतंग की गेम होती थी, वो भी हमने छोड़ दी है, और जो आडे की गेम कर भी रहे हैं लोग आगे पीछे, यार यकीन करो मैंने ना इतना टाइम हो गया कोई गेम पे या कोई पेचा शेचा सही तरह से किया ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, यकीन करें। रमज़ान हो गया, रमज़ान के बाद से मैंने अभी तक कोई गुड्डे से, मतलब पेच वगैरह कुछ किया ही नहीं है, मतलब सही तरह से कोई गुड्डा उड़ाया ही नहीं मैंने। तो आप लोग भी दुआ करें यार, हो सकता है कि हमारी दुआओं से कुछ हो सकता है। अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों में रैम डाल दे भाई, हमारे लिए पतंगबाजी खोल दें ये लोग, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। बाकी वीडियो आप लोग देखें, ठीक है, और सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइन को आप लोगों ने समझना है, ठीक है भाई। आप लोग देख लो कितना इजी डिज़ाइन है, कि मैंने सिर्फ जो है ना दो पेपर लिए हैं, ठीक है, ग्रीन और वाइट, उनको पहले सीधी लाइनों में काटा है, उसके ऑपोजिट जो है वो दूसरा कलर लगा दिया आप लोगों के सामने है, ठीक है, वाइट के साथ ग्रीन, ग्रीन के साथ वाइट, ऐसे करके चार पट्टियाँ मैंने पहले ही काटी हैं, फिर उसके बाद चार काटी हैं जो हमारा चेक में आ गया। बस आप लोगों ने कोशिश ये करनी है, ध्यान ये रखना है कि जो साइडें हैं ना, एक साइड होती है पॉलिश वाली, एक होती है डल, जो डल होती है वो फ्रंट पर आती है, पॉलिश होती है वो बैक पर आती है, मतलब जो शाइन वाली होती है वो बैक पर आती है, ठीक है। तो जोड़ लगाते हुए आप लोगों ने बस एक चीज़ का ये ध्यान रखना होता है कि आप लोगों का पेपर कहीं गलत ना लग रहा हो, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जब आप लोग जोड़ वाला ये वाला बना रहे हैं ना, जो ये वाली काइट है, इसके लिए आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि ग्रीन के साथ वाइट आए, ठीक है, ग्रीन के साथ ग्रीन ना आ जाए, आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है ना, मेहनत ज़ाया जाएगी। कोशिश किया करें कि फोकस रखा करें मेकिंग के टाइम पर, क्योंकि अक्सर होता है कि बंदा जब बन जाती है ना काइट, फिर कहता है ओ यार ये क्या गलती होगी। अभी गलती एक मेरे से भी हुई है, वो आप लोगों को आगे देख लेना, ठीक है, मैं आप लोगों से छुपाऊंगा नहीं, अलग ही चाहता हूँ। मैं वीडियो एडिट कर रहा था, अभी वॉइस ओवर जो कर रहा हूँ वो वीडियो एडिट करते हुए कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो मैं क्रॉप कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। बाकी आप लोग थोड़ी सी वीडियो इन्जॉय करें, फिर जब वो पार्ट आता है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा, तो यार ये वाला पार्ट था, ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है।
आप लोग देख सकते हैं कि भाई मैंने यहाँ पे लगाया है, एक साइड जोड़ी, दूसरी साइड पे मैं जोड़ रहा था तो मैंने ज़ोर से ना थोड़ी से वो थोड़ा सा दबा दिया, गलती से, इंसान से गलती हो जाती है यार, अलग ही आर्ट है, इसके अंदर फटता नहीं है। मैंने डाई तावे भी बहुत बहुत पक्के बनाए हैं लेकिन मेरा कभी ऐसे नहीं फटा, अक्सर हो जाता है कि फट जाता है, लेवी जो होती है वो थोड़ी सी अगर गीली हो तो उसकी वजह से फट जाता है, लेकिन ये मेरी गलती थी थोड़ी सी, जो मैंने हल्का सा उसको ज़ोर दिया वो गलती से, बस हाथ मतलब गलती हुई है मेरे से, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो थोड़ा सा हाथ लगा तो वो मैंने फट गया मेरे से। उसके बाद मैंने टेप शेप लगा के उसको यस कर लिया था। अगर मैं चाहता मैं एडिटिंग के टाइम पे क्रॉप कर लेता, लेकिन इंसान से गलतियां होती हैं। आप लोग अगर आप लोगों से ऐसा कुछ हो तो आप लोग ये ना समझा करें कि आप लोग मेकिंग नहीं सही करें, ऐसा कुछ नहीं होता, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, मसला नहीं होता ऐसे। बाकी मैं वीडियो के एंड में मिलता हूँ आप लोगों से, आप लोग ये मेकिंग इन्जॉय करें। गाइड्स हमारी हो गई हैं कंप्लीट और ये चेक करें भाई साहब, जो भाई फरमाइश आई थी वही चीज़ बनी है, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, चेक में बोला था भाई ने, आप लोग भी कमेंट करो यार, ठीक है आप लोग कमेंट करो तो हम करते हैं आप लोगों की उम्मीद। अभी फ़िलहाल जो मेरा नेक्स्ट जो है ना वो दो अभी झंडे और बनाने हैं, एक इंडिया का, यार इंडिया का भी बनाएंगे ठीक है, और उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं झंडे को मैं देख रहा, सिर्फ गोल गोल घूम रहा है वो, देखो एक कचरा अभी तक नहीं उठाया है, इसको फिर से इग्नोर करो। ये देखो एक फ़लस्तीन वाला झंडा बनाना है और एक इंडिया वाला, ठीक है ये दो झंडे रहते हैं, ये दो लाजमी बनाने हैं। हवा चेक करो कितने मज़े की है, लेकिन वही मसला है यार, थोड़ी सी है इस कोने में है ठीक है, और गुड्डा शुडा कोई नहीं उड़ा, फ़ायदा कोई नहीं है। और अभी ये देखो मेरे हाथों पर कलर आपको मेकिंग के टाइम भी शायद नज़र आया, और ये देखो ये ब्लैक ब्लैक, वो पता है क्यों, ये देखें उस दिन मैंने बैठ की क्या हालत की हुई थी, आज इसके ऊपर कलर शलर किया है भाई, सारा जर्मन शर्मन सारा ख़त्म हो गया, नई लुक निकल आई है बैठ की। अभी इसके ऊपर और भी वैरायटी मारनी है भाई, कंप्लीट करके फिर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो जो है वो यहीं पर ही एंड करते हैं यार, अगर छोटा सा ये मेकिंग की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।